हेलो गाइस, मैं हूं संकेत और वेलकम है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल संकेत जोन पर। तो गाइस, आज हम रिव्यू करने वाले हैं हीरो स्प्रिंट मोंक माउंटेन बाइक का। ये एक सिंगल स्पीड बाइक है जो हमें 26 इंच में मिल जाता है। इसकी कॉस्ट लगभग 7,300 रुपीज है। इसमें हमें ड्यूल डिस्क ब्रेक्स मिल जाते हैं और शॉकर मिल जाते हैं। रेंज के हिसाब से ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी बाइक हमें हीरो का मिल जाता है। इसकी सीट भी काफ़ी ज़्यादा एडजस्टेबल है, हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने हिसाब से। इसमें हमें टू रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं और ये हमको शॉकर मिल जाते हैं। इसके अंदर ड्यूल डिस्क ब्रेक मिल जाती है। इसे हम सेमी फैट बाइक भी कह सकते हैं जो कि इस रेंज में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसके अंदर हमें अलॉय व्हील्स भी मिल जाते हैं। तो गाइस, ये है हमारा हीरो स्प्रिंट मोक बाइक ब्लैक कलर का। इसके अंदर हमको गाइस डिस्क ब्रेक मिल जाते हैं और साथ में दोनों ड्यूल डिस्क ब्रेक मिलते हैं। आगे भी डिस्क ब्रेक है और पीछे भी डिस्क ब्रेक है। और अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं जहाँ पर ऑरेंज और वाइट कलर से ब्रांडिंग की गई है। बहुत ही बढ़िया क्वालिटी के अलॉय व्हील्स हैं। ब्लैक कलर में हमें ये मिल जाते हैं, ब्लैक कलर की फिनिशिंग में। तो अगर हम बात करें इनके टायर्स की, ये एक हिसाब का सेमी फैट टायर्स हैं जो कि फैट टायर से काफ़ी ज़्यादा अच्छे और बेहतर क्वालिटी के हैं। और हमें इसमें प्लास्टिक के मडगार्ड मिल जाते हैं ब्लैक और ऑरेंज कलर की फिनिशिंग में। काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के और एडजस्टेबल मडगार्ड्स हैं। हम इसको अपने हिसाब से ऊपर नीचे यहाँ से एडजस्टेबल कर सकते हैं, जैसे कि ये ऊपर हो गया और नीचे कर सकते हैं। तो गाइस, अगर हम बात करें इस साइकिल की बिल्ड क्वालिटी की, बहुत ही अच्छी ज़्यादा बिल्ड क्वालिटी हमें मिल जाती है। और पैडल्स के साइड पैनल हमें प्लास्टिक के मिलते हैं। पहले जो आयरन के आते थे वो गिरने पर बेंड हो जाते थे, लेकिन ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी के प्लास्टिक से हमें बने हुए मिल जाते हैं। अगर बात करें हम इसकी सीट की, ये भी काफ़ी ज़्यादा एडजस्टेबल है। यहाँ पर एक लीवर लगा हुआ है, आप इससे अपनी हाइट के हिसाब से ऊपर नीचे एडजस्टेबल कर सकते हैं। इसके अंदर हमको फ्रंट में शॉकर्स मिल जाते हैं और साथ में अगर हम हैंडल बार की बात करें तो बहुत ही अच्छा ब्लैक कलर में हमें हैंडल बार मिल जाता है। इसके ऊपर हमें एडजस्टेबल मिलता है अगर हम अपनी हाइट के हिसाब से इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। और ब्रेक लीवर की बात करें, बहुत ही अच्छे मेटल अलॉय से बनी हुई हैं। और अगर हम बात करें रबड़ ग्रिप्स की, बहुत ही ज़्यादा अच्छी ग्रिप्स हैं और फ्रंट से ये बहुत ही अच्छी लुक साइकिल को मिलती है। यहाँ पर हमें एक रिफ्लेक्टर मिल जाता है और यहाँ पर हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है। शॉकर्स की बात करें तो बहुत ही अच्छी हीरो क्वालिटी के ही हमें शॉकर इसके अंदर मिल जाते हैं। फ्रंट में भी हमको अलॉय व्हील्स की ऑप्शन और डिस्क ब्रेक मिल जाता है। तो ओवरऑल साइकिल का हम जो बात करें तो इस रेंज के अंदर बहुत ही ज़्यादा अच्छी साइकिल है। तो चलो गाइस, वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स गाइस।